25 से मल्टीप्लाई करना, 25 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्त लोग भी इस ट्रिक को सीख सके, इस तरीके को सीख सके, समझना। मैंने लिखी एक संख्या, मैंने लिखा एक संख्या, एक नंबर लिखा मैंने, उसमें किया 25 का मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने देखा कि 25 को तो सर आपने बताया था कि इसे 100/4 लिख सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ा सर, मैंने ये भी देखा कि एन अपन में 4 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, मतलब कि नज़रिया साफ है आपका, क्या नज़रिया साफ है, क्या साफ है कि जो भी संख्या आएगी उसमें 4 का भाग देना है। अब सर 4 का भाग देना, समझना, 4 का भाग दोगे अगर किसी संख्या में, समझना, अगर किसी संख्या में 4 का भाग दोगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 निकल के आएगा, या रिमाइंडर 2 निकल के आएगा, या रिमाइंडर 3 निकल के आएगा। ये 4 रिमाइंडर पॉसिबल है 4 से भाग देने पर, ठीक है, 4 रिमाइंडर पॉसिबल है। तो इन चारों का एंड डिजिट क्या होगा वो आपको बताना है। देखो अगर रिमाइंडर 0 आए, अगर रिमाइंडर 0 आए, क्या आया, रिमाइंडर 0, समझना पूरी बात, समझना क्या कह रहा हूँ। अगर रिमाइंडर 0 आए तो 0 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर 0 है तो 4 का भाग कुछ नहीं जाएगा, कितना आएगा डायरेक्ट, कितना आएगा एंड में, 2 0, क्या आएंगी, हमेशा याद रखना 100। 100 क्या होता है, 10^2, 4 क्या होता है, 10^2। तो याद रखना हमेशा एंड में 2 डिजिट लूंगा मैं, याद रखना हमेशा 2 डिजिट लूंगा, ये आपको फोकस करना है ध्यान से। अब देखिए, अब सर बताइए कि अगर रिमाइंडर 1 आया तो क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आया तो क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आया तो क्या करेंगे, समझ, अगर रिमाइंडर 1 आया तो आपको ये पता है, क्या पता है सर, कि 1/4 25% होता है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा इस क्लास को देख रहा होगा मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अगर बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता तो मैं ये भी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, कि उसने परसेंटेज पढ़ा होगा, किसी ने परसेंटेज पढ़ा तो मैं ये भी मान के चलूंगा कि उसे रेसिप्रोकल वैल्यू आती परसेंटेज, ये मुझे नहीं सिखाना। 1/4 25% होता है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता ना तो अभी सीख के याद कर लेना, आपको अभी नहीं पता ना तो अभी सीख के याद, 1/4 होता 25%, 1/4 होता 25%, तो एंड में 25 आएगा। अगर रिमाइंडर 2 हुआ, अगर रिमाइंडर 2 हुआ तो 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 50। अगर रिमाइंडर 0 2 0, रिमाइंडर 1 25, रिमाइंडर 2 50। अगर रिमाइंडर 3 आया तो, रिमाइंडर 3 आया तो क्या होगा, 3/4 आएगा, 3/4, 3/4 मतलब होता 75%, मतलब एंड में 2 75 आएंगे, एंड में क्या आएगा, 75 आएगा। बस इतना आपको याद रखना, इतना आपको याद रखना है, मैं आशा करूंगा कि इतना आप याद कर लोगे। अब सर इतना तो कर लिया, मल्टीप्लाई करना सिखाइए, मल्टीप्लाई करना जिस चीज के लिए आए वो चीज सिखाइए, वो चीज देखना। मैंने आपको लिखा, क्या लिखा, 37 37 × 25। अब आप बताइए क्या होगा। देखिए मैं क्लियर हूँ कि मुझे 4 का भाग देना, ये बात आपको भी क्लियर हो। मैंने देखा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा, 1, 1 रिमाइंडर बचता है तो एंड में 25 आता है, ये आंसर हो गया मेरा, मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ा। सर अगर 38 हुआ तो अभी प्रैक्टिस कराऊंगा बार बार के, अभी समझना, अभी तो केवल समझा नहीं बताऊँ। 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर बचा तो क्या आता है, 2 रिमाइंडर बचा तो 50 आता है। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 कितना बचा, 2/4 मतलब 1/2 मतलब 50 आएगा। अगर सर 39 आया तो, 39 आया तो कितना आएगा, 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 39 आएगा तो क्या आएगा, 39, 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 9 जा 36, 3 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर पर 75 लगा देते हैं। इस स्पीड से आपको करके बताऊंगा, अभी तो केवल ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिख रखा है इतना बड़ा, ये समझाने के लिए ये केवल और केवल कॉन्सेप्ट है कि आपको करना क्या है। अब वो करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझना, अब समझना, अब मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ, काम की चीज़ देखना। अब ये जो चीज़ है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, ये 2 डिजिट वाला मल्टीपल है, अभी अभी आगे 3 डिजिट का है, फिर उससे आगे 4 डिजिट का है, देखना समझना। मुझे पता चल गया, देखिए सर समझना, 4 9 36, 1 बचा तो 25 आएगा, 4 1 4 4 7 28, 4 1 4 1 4 कितना आ गया, 38 हो गया, 4 9 36, 2 बचा तो मैं 50 लगा दूंगा, 4 से काटा, 4 से 4 1 4 4 चौक 16,
रिमाइंडर 0, 2 0 लगा दीजिए, 2 0 लगा दीजिए, 4 9 36, रिमाइंडर 0 बचा, 2 0 लगा दीजिए, 4 1 4, 4 1 4, 2 रिमाइंडर बचा तो 2 रिमाइंडर बचता है तो 50 लगाते, 2 रिमाइंडर बचता है तो 50 लगाते, 4 2 8, 4 1 4, 3 रिमाइंडर बचता है तो 75 लगाते हैं, 3 रिमाइंडर बचता है तो 75 लगाते हैं। ये 2 डिजिट मैं लगा रहा हूँ मन से, समझना, 4 2 8, 4 4 3 12, 3 बचा रिमाइंडर तो 75 लगा दिया, 4 से भाग दिया, 4 2 8, 4 2 4 3 12, 1 रिमाइंडर बचा तो 25 लगा दूंगा, 1 रिमाइंडर बचा तो 25 लगा दूंगा। ये करके बता रहा हूँ मैं, एक्चुअल में ऐसा कोई रट के नहीं आया, मैं इतनी सारी वैल्यू याद रखना, देखना, 4 1 4, 4 9 36, 3 रिमाइंडर बचा तो 75 लगा दिया। बस इसी स्पीड से आपको करना है, ये मैंने आपको करके दिखा दी। कोई डाउट कोई परेशानी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपका टाइम खराब नहीं करूँगा धीरे धीरे करने में, क्योंकि मैंने धीरे किया तो आपका विश्वास उठ जाएगा मेरे पैसे, याद रखना, क्लियर, समझ में आ गया इतना, ठीक। आप इसे जब तक प्रैक्टिस करना तब तक आपकी ये स्पीड ना आने लगे, ठीक है, इतना आ गया सर, ये वाली चीज़ बताइए आप, ये बताइए, ये वाला करना बताइए, वो तो ठीक है, वो तो कोई भी कर लेगा, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, लेकिन ये वाला बताइए सर, इसमें मज़ा आएगा, इसमें मजा आएगा। देखो अगर आपको लगे ना सर ये फेक है, तो आप खुद से पेन कॉपी लेके 456 में 25 का गुणा करके देखना एक बार, ऐसे ऐसे करके देखना, फिर आपको रियलिटी पता चल जाएगी। इसकी कंपैरिजन आप खुद की मेथड से करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं करना स्टार्ट करना हूँ, आप देखना गौर से, नजरें गड़ाए रखना, 4 3 12, 4 1 4, 2 रिमाइंडर बचता तो मैं 50 लगाता हूँ, 4 1 4, 4 8 32, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा तो मैं 2 0 लगाता हूँ, 4 5 20, 4 8 32, 2 रिमाइंडर बचाता है तो मैं 50 लगाता हूँ, 4 1 4, 4 1 4, 4 4 16, कुछ नहीं बचता मैं 2 0 लगाता हूँ, 4 4 24, 4 4 16, कुछ नहीं बचता तो मैं 2 0 लगाता हूँ, 4 का भाग, 4 1 4, 4 7, कितना बचा, 4 8 32, 3 रिमाइंडर बचता है तो मैं 75 लगाता हूँ, 4 1 4, 4 1 4, 2 आ गया, 4 4 24, 1 4 3 12, 1 रिमाइंडर बचता है तो मैं 25 लगाता हूँ। समझ में आ रहा है, एक्चुअल कैलकुलेशन हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम नंबर है, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, बेसिक से मल्टीप्लाई कर लेना, यही आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर लेके बैठ जाना क्लास में अगर यकीन ना हो रहा हो तो, देखना। अब मैं इसका मल्टीप्लाई किया, देखिए किसना, 4 9 36, 4 9 36, 2 0, क्लियर, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, 4 1 4, 4 9 36, 3 आया, 4 8 32, 2 रिमाइंडर बचा तो 50 लगा दिया, हो गया मल्टीप्लाई, बस इतना ही दिमाग लगाना था, इतना ही दिमाग लगाना था। ये सभी मल्टीप्लाई मैंने आपको एक्चुअल में करके दिखा है, फेक नहीं है ट्रिक, शानदार शानदार तरीका है, ठीक है सर, उतना भी ठीक है, उतना भी कर लेंगे, लेकिन ये बताओ सर इसमें मजा आएगा, ये वाला तरीका करके बताओ, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ करके से, एक बार आप ट्राई करके बताओ, ठीक है, एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको, यहाँ लिख के 7 6 5 3 गुणा में 25, 4 से भाग दिए, 4 1 4, 3 आया, 4 9 36, 4 1 4, 4 3 12, 1 रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचने पर 25 लगाते हैं, ये आंसर आ गया, ऐसे करना है आपको, ठीक है। चलो अब इन्हें करके दिखाते हैं, इनमें मज़ा आएगा देखना, अब इनमें मज़ा आएगा समझना, इतना मैंने देखा सर, देखना, 4 8 32, 4 1 4, 4 1 4, 2 रिमाइंडर बचा तो 50 लगा दिया, 4 1 4, 4 4 24, 4 4 24, 4 3 12, 2 बचा, 4 कितना बचा, 27 हो गया, तो 4 6 24, 24 हो गया, 3 बचा, 3 बचा तो 75 आ जाएगा, 3 बचा 75 आ गया, 4 2 8, 0 लगाया, 4 8, 4 7, 28 नहीं कटेगा, 4 6 24, 3 बचा, 4 9 36, 3 रिमाइंडर बचा तो 75 आ जाएगा, आंसर आ रहा है, ये आंसर कोई फालतू नंबर नहीं है, आंसर है ये, इसका मल्टीप्लाई करने, इसमें देखो 1736 गुणा 25, 1736 गुणा 25, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 का भाग दे रहा हूँ, 4 6 16, 4 3 12, 4 6 16, एंड में 2 0, रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए 4 9 36, 3 आया, 4 8 32, 2 बचा 26 हो गया, 4 6 24, 3 बचा तो 75 लगा दूंगा एंड में, 3 रिमाइंडर बचा तो 75 लगा दिए मैंने एंड में। अब इसमें भाग दीजिए, 4 1 4, 4 5 20, 4 7 28, 4 2 8, 1 रिमाइंडर बचा तो 25 लगा दिया, आया, ठीक है, इसे करके बताते, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 8 32, 2 बचा तो 50 लगा दिए मैंने एंड में, ठीक आ गया, इसमें भागते थे, 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20, 4 5 20, 2 बचा, 4 5 20, 2 रिमाइंडर बचा तो 50 लगा दिया, इसमें भाग देते हैं, इसमें भाग दे रहा हूँ मैं, 4 का भाग दे रहा हूँ गौर से देखना, 4 5 20, 4 9 36, 4 2 8, कुछ नहीं बचा, 2 0 लगा दिया, ये आंसर आ गया मेरे। कन्फ्यूजन कोई कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, याद रखना आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से आपको सीखना है, इन इनको मिटाल के या फिर इनको फिर से कोई कॉपी पर लिख कर या फिर रैंडम डिजिट, ये आपको लग रहे होंगे मैंने सोच के लिख लिया, मैंने कुछ नहीं टाइप किया, बस टाइप किया सामने कीबोर्ड लगा कुछ भी रैंडम डिजिट 4 डिजिट टाइप कर दिए ऐसे ऐसे क्लिक करके, बस ये रैंडम डिजिट है, कोई भी इनमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई कॉमन पैटर्न नहीं है इनमें,
ठीक है, रैंडम डिजिट मैंने लिए, तो ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। रैंडम 10 डिजिट लिख लेना, 25, फिर मल्टीप्लाई करके देखना आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर कोई बंदा बैंकिंग का है ना, उसे तो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये एसएससी और बैंकिंग में, तो हद से ज़्यादा।